शहर के गोत्र स्थित इस्कॉन मंदिर में कोरोना वैक्सीनेशन का प्रारंभ किया गया। वडोदरा शहर में एक बार फिर कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का प्रारंभ करते हुए शहर के गोत्र स्थित इस्कॉन मंदिर में भी प्रारंभ किया गया है। वडोदरा शहर जिला में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान का प्रारंभ करवाते हुए सेकंड डोज में 53,342 तथा बूस्टर डोज में 55,840 लोगों द्वारा अभी तक अपना वैक्सीन का डोज नहीं लिया गया। ऐसे में लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करने के साथ ये विशेष महाअभियान में जुड़ने के लिए वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा संचालित वैसे 169 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं, जिसके भागरूप आज शहर के गोत्र स्थित इस्कॉन मंदिर में वैक्सीनेशन बूस्टर डोज का प्रारंभ किया गया, जिसमें 60 वर्ष से भी अधिक की आयु धारित वैसे नागरिकों के लिए निःशुल्क बूस्टर डोज का आयोजन किया गया था। भारी तादाद में नागरिकों ने यह वैक्सीन अभियान का भी लाभ लिया। 14 महीने हमें सतत वैक्सीनेशन कैंप चालू रखे छे अने वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना दिवाड़ी पुराना सहयोगी अने अमे स्वयंसेवकों द्वारा आ वेक्सिनेशन ड्राइव अमे खूब प्रचार प्रसार करीने करी रह्या छे, जेथी अहीं हमणां आजे कोविशील्ड सेकंड डोज अने 60 प्लस ना माटे फ्री अहीं उपलब्ध छे 1 वागा सुधी अने 6 થી 8। ते रीते बीजा अन्य केन्द्रों पण आ दिवाळी पुराना छे तेमां साईं बाबा पर कोवेक्सिन अवेलेबल छे, ईएसआई उपर कोर्बीवेक्स जे 12 થી 14 वर्षना विद्यार्थीओ माटे छे तेओ उपलब्ध छे, एवी रीते टागोर नगरमां पण छे। ए रीते समग्र वडोदरामां समग्र गुजरातमां समग्र भारतमां आजे वेक्सिनेशन महाड्राइव करी अने एक आ वेक्सिनेशन जे सेवा छे सरकार द्वारा अपायेली अने जो आपणे बधा लईए अने कोरोनाथी बचीए, कारण के आपने ख्याल हशे के छेल्ला 3-4 दिवसथी विश्वमां 8-10 लाख केसो थई रह्या छे, एनी सामे भारतमां खूब ओछा 10,000, 12,000, 7,000, 8,000 એવા કેસો આવી રહ્યા છે। આશા રાખું કે સૌ આ જાગૃતતા કેળવી અને વેક્સિનેશન પ્રાપ્ત કરે અને પોતાની જાતને કોરોનાથી બચાવે અને દેશની પ્રગતિમાં પોતાનો ફાળો આપે। ધન્યવાદ। કેતન પટેલ, ઇસ્કોન મંદિર।